सीबीएसई क्लास 12th की एग्जाम डेट्स अभी तय नहीं है और इसी कारण देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं को लेकर भी अब असमंजस शुरू हो चुका है। बीते रविवार सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वर्चुअल मीटिंग की गई, जिसमें सीबीएसई ने 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच परीक्षा का आयोजन करने का प्रस्ताव दिया। इसी को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी अप्रैल और मई में होने वाली जेईई मेंस की परीक्षाओं को जुलाई के अंत में या अगस्त में करवाने का फैसला ले सकती है। वहीं नीट भी सितंबर में होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से शुरू किए जा सकते हैं। इससे पहले ही कई छात्र सोशल मीडिया के जरिए नीट यूजी को अक्टूबर तक स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र को जेईई मेंस 2021, नीट 2021 और बोर्ड परीक्षा आयोजित करने से पहले सभी छात्रों का टीकाकरण करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि देश में 1.5 करोड़ छात्रों और 1.5 करोड़ शिक्षकों को पहले टीका लगाया जाना चाहिए। अभी तक नीट 2021 1 अगस्त को आयोजित की जानी है, लेकिन मौजूदा हालात में बोर्ड एग्जाम्स अगर अगस्त में होती है तो नीट यूजी सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आयोजित की जा सकती है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पर संभवतः 1 जून को फैसला आनी है, उसके बाद ही आगे की प्रवेश परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आने वाले अपडेट्स के लिए आप बने रहें रूस एजुकेशन के साथ।